आप देख रहे हैं दखल न्यूज। कोर्ट का फैसला, विवादित जगह पर बनेगा राम मंदिर, मुस्लिम पक्ष को दूसरी जगह दी जाएगी जगह। अयोध्या में सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त, 10 ड्रोन करते रहे चप्पे चप्पे की निगरानी। अदालत के फैसले पर आरएसएस ने की प्रसन्नता जाहिर, मोहन भागवत बोले देर आए लेकिन दुरुस्त आए। मुख्यमंत्री कमलनाथ और शिवराज सिंह ने किया अयोध्या फैसले का स्वागत, कहा लोग अमन चैन कायम रखें। और राम जन्मभूमि के फैसले से हैं सभी खुश, सुप्रीम कोर्ट के प्रति व्यक्त किया आभार। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। आज की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया है कि विवादित जगह पर रामलला विराजमान रहेंगे और मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए दूसरी जगह जमीन दी जाएगी। अयोध्या केस में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने यह ऐतिहासिक फैसला रामलला के पक्ष में सुनाया। अब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाएगा। देश के सबसे पुराने और बहुप्रतीक्षित कोर्ट केस अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद केस में फैसला आ गया है और इसके बाद अब विवादित रही जमीन पर रामलला विराजमान ही रहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को अलग से मस्जिद के लिए जमीन देने के निर्देश दिए हैं। आज 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस बेंच ने लगातार 40 दिन की मैराथन सुनवाई के बाद बीती 16 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई थी और उसके बाद से देश में हलचल बढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने रामलला को डिक्री करते हुए मुख्य मालिक माना है और दूसरे पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 महीने में ट्रस्ट बनाकर मंदिर निर्माण के लिए कहा है। साथ ही इस ट्रस्ट में केंद्र सरकार निर्मोही अखाड़े को शामिल करने पर फैसला ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार 3 महीने में मंदिर निर्माण के लिए नियम बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष की तरफ फैसला सुनाते हुए विवादित जमीन रामलला को दे दी है। इसका मतलब है कि विवादित जमीन का मालिकाना हक रामलला विराजमान के पास ही है। देखिए, फैसला जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ने किया है बिल्कुल ठीक किया है। हम इससे पहले भी कहते थे कि जो कोर्ट करेगा उसका हम सम्मान करेंगे। आज भी हम कह रहे हैं कि जो कोर्ट ने जो किया है ये बड़ा बेहतर है, ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है। जो कुछ भी कोर्ट ने किया उसको हम मानेंगे, पहले भी मानते थे आज भी माने। मैं पूरे मुस्लिम समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे फैसला हमने मान लिया है आप लोग भी माने। सीजीआई ने संविधान की बात करते हुए कहा कि हिंदू बाहर की तरफ हमेशा पूजा करते रहे लेकिन मुस्लिम अंदर की तरफ अपना दावा साबित नहीं कर पाए हैं। मामले के दूसरे पक्ष सुन्नी वक्फ बोर्ड को वैकल्पिक जमीन देना जरूरी है। कोर्ट ने माना कि यात्रियों के वृतांत और पुरातत्वविदों के सबूत हिंदुओं के पक्ष में हैं। कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन के अनुसार गुम्बद के नीचे 1856-57 से पहले हिंदू पूजा करते थे और उसके बाद अंग्रेजों द्वारा रोके जाने पर चबूतरे पर पूजा करने लगे, जबकि मुसलमानों द्वारा 1856-57 से पहले वहाँ नमाज पढ़ने के सबूत मिले हैं और अंग्रेजों द्वारा हिंदुओं को रोके जाने के बाद गुम्बद के नीचे नमाज पढ़ने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 1934 के दंगों के बाद से ही मुस्लिम पक्ष का वहाँ पर कब्जा नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी बेहद अहम है। चीफ जस्टिस ने कहा कि रामलला ने ऐतिहासिक पुराणों के तथ्य रखे और उसमें सीता रसोई के अलावा राम चबूतरे का जिक्र है, जिसकी पुराणों से पुष्टि होती है। इससे यह भी पता लगता है कि हिंदू वहाँ परिक्रमा किया करते थे। सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ने हिंदू पक्ष की बात करते हुए कहा कि हिंदू मुख्य गुंबद के नीचे के स्थान को जन्म स्थान मानते हैं। हिंदू अयोध्या को राम का जन्म स्थान मानते हैं, इसका किसी ने भी इस बात को खारिज नहीं किया है। विवादित स्थान पर हिंदू पूजा करते रहे, हालांकि 12वीं से 16वीं सदी के बीच वहाँ क्या हुआ इसके सबूत नहीं है। गवाहों के क्रॉस एग्जामिनेशन में हिंदू पूजा का दावा गलत साबित नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावे को लेकर कहा कि वे बाबरी मस्जिद खाली स्थान पर नहीं बनी थी, जिस जगह पर बनी थी वो इस्लामिक नहीं था, उसके नीचे एक विशाल संरचना मिली है। इस तरह कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज कर दिया। ईएसआई ने कहा था कि वहाँ 12वीं सदी में वही मंदिर बना हुआ था जिसके सबूत खुदाई के दौरान मिले थे। विवादित ढांचे में पुराने पत्थरों और खम्भों का इस्तेमाल हुआ था, इसका मतलब मस्जिद को मंदिर के अवशेषों से बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुरातत्व विभाग की खुदाई में जो चीज़ें मिली थी उसे नकारा नहीं जा सकता। हाईकोर्ट का फैसला खारिज करने की मांग को गलत करार दिया गया। मामले में इससे पहले आए हाईकोर्ट का फैसला पारदर्शी साबित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने रामलला को मुख्य पक्ष माना है और कोर्ट ने रामलला को कानूनी मान्यता दी है। अयोध्या केस के मद्देनजर पूरे देश की नजर यूपी पर रही। अयोध्या में हर जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे।
कई शहरों में इंटरनेट बंद रहा, वहीं अयोध्या में 10 ड्रोन शहर की निगरानी करते रहे। अयोध्या फैसले को लेकर उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में अलर्ट घोषित था। रात में ही अयोध्या में धारा 144 लगा दी गई। लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, इलाहाबाद, अलीगढ़ समेत कई शहरों में फ्लैग मार्च किया गया। ड्रोन से अयोध्या में नजर रखी गई। इसके अलावा किसी भी संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए अयोध्या और लखनऊ में 2 हेलीकॉप्टरों को स्टैंड बाय मोड पर रखा गया। यूपी के अलीगढ़ में इंटरनेट सेवा बंद रही। यूपी नेपाल सीमा पर भी इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया था। एडीजी पुलिस आशुतोष पांडे ने बताया कि श्रद्धालु राम मंदिर का दर्शन कर रहे हैं। मंदिर में जाने के लिए किसी तरह की पाबंदी या प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। सभी बाजार खुले हुए हैं और पूरी तरह से स्थितियां सामान्य बनी हुई हैं। इसके साथ ही पैरा मिलिट्री और आरपीएफ और पीएसी की 60 कंपनियों को तैनात किया गया है। अयोध्या में 1200 कांस्टेबल, 250 सब इंस्पेक्टर, 20 डिप्टी एसपी और 2 एसपी स्तर के अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए मुस्तैद हैं। 2 स्तरीय बैरिकेटिंग, 35 सीसीटीवी कैमरे और 10 ड्रोन के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। अयोध्या के डीएम अनुज झा ने कहा कि लोग शांति और सौहार्द बनाए हुए हैं। अभी तक कहीं से कोई नेगेटिव अपडेट नहीं है। अयोध्या पूरी तरह से सामान्य है। यहाँ चप्पे चप्पे पर सुरक्षा जरूर है, लेकिन लोग आम दिनों की तरह आ जा रहे हैं। कोई मंदिर जा रहा है तो कोई जरूरी सामान खरीदने के लिए निकला हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, अब सबको मिलजुल कर राम मंदिर के लिए निर्माण के कार्य करने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि न्याय देने वाले इस निर्णय का स्वागत है। भागवत ने कहा कि मंदिर निर्माण में सभी सहयोग करें, सभी इस काम के लिए मिलजुल कर आगे आए। कोर्ट के बाहर समझौते के सवाल पर संघ प्रमुख ने कहा कि पूर्व में इस तरह के प्रयास हुए, लेकिन जब कोई निर्णय नहीं निकल सका इसीलिए सभी कोर्ट आए थे। हालांकि कोर्ट के फैसले को लेकर भागवत ने कहा कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। संपूर्ण देशवासियों से अनुरोध है कि विधि और संविधान की मर्यादा में रहकर संयमित और सात्विक रीति से अपने आनंद को व्यक्त करें। इस विवाद के समापन की दिशा में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप परस्पर विवाद को समाप्त करने वाली पहल सरकार की ओर से शीघ्रतापूर्वक होगी, ऐसा हमें विश्वास है। अतीत की सभी बातों को भुलाकर हम सभी श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण में साथ मिलजुल कर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। मस्जिद को अयोध्या में ही बनाए जाने के सवाल पर संघ प्रमुख ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अभी और अध्ययन करेंगे। साथ ही उन्होंने जोड़ा कि मस्जिद की जमीन सरकार तय करेगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मस्जिद की जमीन को लेकर विवाद के सवाल पर भी कहा कि इसका हल सरकार करे। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि हम सब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आदर करते हैं, धर्म को किसी भी राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। कमलनाथ ने सभी से शांति बनाए रखने और किसी भी विरोध का हिस्सा न बनने की अपील की है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बयान देते हुए कहा कि कोर्ट के फैसले का सभी को आदर करना चाहिए। न्यायालय का फैसला सर्वमान्य है, सभी लोग आपसी भाईचारा बनाए रखें। ये प्रदेश हमारा है, विश्वास है प्रदेश देश भर के लिए उदाहरण बनेगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने भी प्रस्ताव दिया था, लेकिन उसे मना कर दिया गया है। प्रदेश सरकार प्रदेश की सुरक्षा को लेकर सजग है, अभी किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता नहीं है। कमलनाथ ने कहा कि धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और न ही इस फैसले को राजनीतिक चश्मे से देखा जाना चाहिए। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के बयान पर कमलनाथ ने कहा कि उनका ये निजी बयान है, सरकार की ऐसी कोई सोच नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद और सर्वसहमति के फैसले के बाद हम सभी मिलजुल कर सम्मान में आदर करते हैं इस फैसले का। किसी प्रकार का उत्साह, जश्न व विरोध का हिस्सा ना बने, ये पहले भी मैंने अपील करी थी, मैं ये अपील दोहरा रहा हूँ। आपसी भाईचारा, संयम, अमन चैन, शांति, सद्भाव हम सब बनाए रखें। अयोध्या मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी को फैसले का सम्मान करना चाहिए। मध्य प्रदेश
शांति का टापू है, प्रदेश में शांति और सौहार्द बना रहना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि कोर्ट का यह अभूतपूर्व और निष्पक्ष निर्णय है। कोर्ट ने कहा है कि इसमें कोई विवाद नहीं कि राम भगवान का जन्म अयोध्या में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की टीम का अयोध्या मामले पर सर्वसम्मति से दिए फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सभी को मान्य है, सभी फैसले का सम्मान और स्वागत करते हैं। फैसले में ना तो किसी की जीत हुई और ना ही हार, देश ने हमेशा शांति का संदेश दिया है। शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश हमेशा से शांति का टापू रहा है, इसमें शांति बनाए रखें। यह किसी की पार्टी का फैसला नहीं है, यह देश का फैसला है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हम सब सम्मान करें, आदर करें, स्वागत करें। किसी की हार नहीं हुई है। हमारा देश एक प्राचीन, अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक राष्ट्र है और हमने दुनिया को सदैव शांति का संदेश दिया है। मैं सभी प्रदेशवासियों से, बहनों भाइयों से, बेटे बेटियों से, देशवासियों से ये अपील करता हूँ कि हम अपनी एकता, प्रेम, भाईचारा, शांति, सौहार्द, आत्मीयता और प्रेम बनाए रखें। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह निष्पक्ष फैसला है, यह सभी को मान्य है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि राम भगवान का अयोध्या में विवादित स्थल पर ही जन्म हुआ था, इस पर कोई विवाद नहीं है। यह फैसला विद्वान न्यायाधीशों का अभूतपूर्ण निर्णय है। कोर्ट ने एएसआई के दिए साक्ष्यों के आधार पर माना है कि उस स्थान पर मंदिर था और ट्रस्ट को सौंप दी है। राम जन्मभूमि के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों ने जो निर्णय पारित किया है अपने आप में अभूतपूर्व है। इसलिए भी अभूतपूर्व है क्योंकि ऐसा विद्वत्तापूर्ण निर्णय और निष्पक्ष निर्णय हमारे न्याय के इतिहास में बहुत ही कम देखने के लिए मिलते हैं। जहां न्यायालय ने इस बात को माना है कि इसमें कोई विवाद नहीं कि राम जी का जन्म अयोध्या में ही हुआ था और एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने इस बात को ही प्रमाणित करने का काम कर दिया है कि जिस स्थान पर पूजा होती थी, जो स्थान राम जन्मभूमि के तौर पर शुरू से प्रमाणित था, उसके लिए न्यायालय ने माना है और वह स्थान वह अब राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लिए उन्होंने सुपुर्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या आंदोलन से जुड़े हिंदू नेता जयभान सिंह पवैया ने कहा कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, राम भक्तों में खुशी की लहर है। राम जन्मभूमि आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के नेता जयभान सिंह पवैया भी अदालत के फैसले के बाद बेहद खुश नजर आए। उन्होंने अपने घर पर राम जी की पूजा की, दिए जलाए और आतिशबाजी की। उन्होंने कहा कि यह दिन उनके लिए जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इस दिन के लिए उन्होंने अपने प्राण निछावर तक करने की ठान ली थी, लेकिन शुक्र है अदालत ने उनकी बात सुनी, समझी और उनके पक्ष में फैसला दिया। पवैया ने कहा कि यह लड़ाई 70 साल की नहीं थी बल्कि 1528 से यह लड़ाई चली आ रही थी जो कोर्ट की दिल्ली तक पहुंच गई। 30 साल लगातार जिस सपने को पूरा करने के लिए हमने अपने जीवन को झोंका हो, मेरे जैसे हजारों हजारों नौजवानों ने जब सपना पूरा होता देखते हैं, आज तो मुझे ये लगता है कि अगर शरीर छूट भी जाए तो अब कोई चिंता नहीं है क्योंकि ये जीवन पल पल करके हम जी रहे थे उस स्वप्न के लिए। सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है, ये फैसला किसी एक
समुदाय की जीत और हार के रूप में देखना छोटी बात होगी। ये भारत के सम्मान की विजय है। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अयोध्या फैसले को लेकर कहा कि यह देश का सबसे बड़ा फैसला है, इसमें ना किसी की जीत हुई और ना किसी की हार, सभी देशवासी भाईचारा और शांति बनाए रखें। दतिया में अयोध्या फैसले को लेकर पूर्व जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस फैसले से ना कोई हारा है और ना कोई जीता है, ये देश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना फैसला है और देश की जीत हुई है। मिश्रा ने कोर्ट द्वारा सुनाए गए राम जन्मभूमि फैसले का सम्मान करते हुए न्यायाधीशों का आभार प्रकट किया। नरोत्तम ने सभी देशवासियों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह हर्ष का विषय है, देश में गंगा जमुनी तहजीब है, सबको शांति बनाकर रखनी चाहिए और अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देश के लिए देना चाहिए। देश का सबसे लंबा चलने वाला और सबसे बड़ा फैसला आ गया है, निश्चित रूप से हम सबके लिए हर्ष का विषय है। मेरी ये प्रार्थना है कि इस मौके पर हम सब परस्पर भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द को बना के रखें और अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान इस कार्य में दें। सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसले के बाद भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने हनुमान मंदिर पहुंचकर माथा टेका और इस ऐतिहासिक फैसले के बाद ईश्वर का धन्यवाद किया। भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अयोध्या राम मंदिर के फैसले के बाद अपने निवास के पास रिवेरा टाउन स्थित हनुमान मंदिर पहुंचकर माथा टेका और ईश्वर को धन्यवाद किया। इस दौरान साध्वी ने मंदिर में लोगों के साथ राम भजन भी गाया, साथ ही सभी का अभिवादन किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साध्वी काफी खुश नजर आईं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या पर ऐतिहासिक फैसला देते हुए माना है कि राम के जन्म स्थान को लेकर कोई विवाद नहीं है और राम मंदिर वहीं बनेगा, जिसकी रूपरेखा तैयार करने केंद्र को 3 माह का वक्त दिया गया है। अयोध्या मामले में फैसला आने के बाद ग्वालियर में सभी जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई। ग्वालियर के पुलिस कंट्रोल रूम में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दिया गया, साथ ही सीसीटीवी कैमरे से शहर की निगरानी रखी जा रही है। अयोध्या मामले में फैसला आने के बाद ग्वालियर में सभी जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा खुद इसकी निगरानी की जा रही है। करीब 600 सीसीटीवी कैमरे पूरे शहर के सार्वजनिक स्थानों और संवेदनशील क्षेत्रों में लगाए गए हैं। साथ ही अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे से संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी रखी जा रही है। पुलिस प्रशासन ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था के चौकस होने और शांति व्यवस्था बरकरार रखने का दावा किया है। आप जानते हैं कि अयोध्या वर्डिक्ट के उसको लेके पहले से ही 144 का ऑर्डर जारी कर दिया गया था। सोशल मीडिया पर भी लोग अवांछित टिप्पणियाँ न करने के संबंध में भी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया गया। बॉर्डर में हमारे जो लगे हुए जिले हैं उनसे भी हमने सामंजस्य है, BSF, हमारे यहाँ एयरफोर्स, आर्मी, इन लोगों के अफसरों से भी बात की गई है। जो किराएदार हैं उनकी चेकिंग का अभियान भी चलाया जा रहा है। SDM, तहसीलदार, SDOP, TI ये भी फील्ड में घूम रहे हैं। कोई भी सेंसिटिव पॉइंट है उसके बारे में भी उनसे बोला गया कि वो जानकारी देख लें। 22 लोगों को जिला बदर भी किया गया है। बाकी हमारे हॉस्पिटल, फायर सर्विसेज भी अलर्ट पे हैं और सभी प्रकार का सोशल मीडिया भी वॉच पे है। हम उम्मीद करते हैं कि शहर में अमन शांति बनी रहेगी। पूर्व से ही जिला प्रशासन और पुलिस लगातार इस प्रकार के प्रयास कर रही थी जिससे कि शहर में शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनी रहे। इसके तहत शांति समिति की बैठकें
बलवा ड्रिल की तैयारी, फ्लैग मार्च और ऐसे कई प्रयास शामिल थे। वर्तमान में भी आपने जैसा देखा है, उन संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान ज्वाइंट रूप में पुलिस, रेवेन्यू और शांति समिति के मेंबर्स ने की है, जहाँ पर हमें लगता है कि एहतियात के रूप में हमारी फोर्स डिप्लॉय रहे। धारा 144 लगाने का उद्देश्य यही था कि किसी प्रकार भी कोई असामाजिक तत्वों को एक जगह पर एकत्रित होने से, कोई भी रैली, धरना, प्रदर्शन करने से रोका जा सके, जिससे कि शहर की फिजा खराब करने का अवसर उनको ना मिल पाए। पूर्व मंत्री और पुराने कांग्रेस नेता बिसाहू लाल सिंह मध्य प्रदेश का कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हैं। बिसाहू लाल सिंह ने कहा कि मुझ जितने सीनियर लोग अब कम ही हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर घमासान मचा हुआ है। ऐसे में अध्यक्ष पद के लिए एक और दावेदार के रूप में पूर्व मंत्री बिसाहू लाल सिंह का नाम सामने आया है। बिसाहू लाल ने खुद को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिए दावेदारी की है। बिसाहू लाल सिंह बोले, मुझसे सीनियर कम ही लोग हैं, मुझे जिम्मेदारी मिलती है तो मैं तैयार हूँ। इससे पहले भी बिसाहू लाल सिंह पीसीसी चीफ बनने के लिए दम भर चुके हैं। बिसाहू लाल सिंह इसके लिए कई बड़े नेताओं से भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की कांग्रेस की राजनीति इस कदर उलझी हुई है कि कोई भी बिसाहू लाल सिंह की बात को फिलहाल तो तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश के विधानसभा में मुझसे सीनियर बहुत कम लोग, यहाँ तक कि शिवराज सिंह और गोपाल भार्गव वगैरह भी नहीं। 80 का मैं विधायक हूँ और इतने दिन से काम कर रहा हूँ, कई बार 5-6 बार विधायक भी रहा। तो जो दायित्व सौंपेगी प्रदेश कांग्रेस या की हाईकमान, उसको अपन निर्वहन करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने विधानसभा सत्र को लेकर बयान देते हुए कहा कि अल्प अवधि के सत्र में किसानों की समस्याओं और प्रदेश के जनहित के मुद्दों पर व्यापक चर्चा संभव नहीं है। किसानों की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। अति वर्षा से किसानों की सारी फसलें नष्ट हो चुकी हैं, उन्हें अभी तक मुआवजा राशि नहीं मिली है और कर्ज से परेशान होकर किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। विधानसभा सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखा है, जिसमें भार्गव ने विधानसभा सत्र को 5 दिन से ज्यादा बढ़ाने की बात कही है। गोपाल भार्गव ने कहा कि अति वर्षा से किसानों की फसलें खराब हो गई हैं, किसानों को अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है। भार्गव ने कहा कि शीतकालीन सत्र की जो अवधि निश्चित की है, उसमें सभी शासकीय अशासकीय कार्य निपटा देना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। भार्गव ने अपने पत्र में कहा कि प्रदेश की समस्याओं को उठाने का एकमात्र सक्षम और संवैधानिक मंच विधानसभा है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, कमलनाथ जी से आज ही पत्र के माध्यम से आग्रह किया है कि मुख्यमंत्री जी, आपने पिछले विधानसभा जितने भी सत्र बुलवाए, इन सत्रों में हम किसी भी सत्र में प्रदेश की ज्वलंत समस्याओं के बारे में चर्चा नहीं कर पाए। किसानों की समस्याओं के बारे में बजट सत्र में पिछले में चर्चा होना थी, नियम 139 के अंतर्गत आपने, यानी मुख्यमंत्री जी ने और विधानसभा सचिवालय ने चर्चा स्वीकार की थी कि हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा नहीं की। अचानक विधानसभा का सत्र समाप्त कर दिया गया। 11 महीने हो गए सरकार को बने हुए, 11 लोगों के लिए भी आज की तारीख तक नौकरी मध्य प्रदेश में नहीं मिली। 11 बेरोजगारों के लिए भी नाम बता दे नौकरी मिली हो। इन सब विषयों को लेकर और अनेक विषयों को लेकर मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि आप कम से कम 2 सप्ताह का विधानसभा सत्र आहूत करें, प्रदेश की ज्वलंत समस्याओं पर, किसानों की समस्याओं पर, बेरोजगारों की समस्याओं पर, आम नागरिकों की समस्याओं पर उसमें चर्चा की जा सके। भार्गव ने कहा कि पूर्व की सरकारों में हमेशा से यह स्वस्थ परंपरा रही है कि सत्र की तिथियां और समयावधि प्रतिपक्ष से चर्चा के उपरांत ही सरकार तय करती है, किंतु इस परंपरा का भी सरकार के द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है, जबकि सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष को विश्वास में लेकर सत्र चलाया जाना आवश्यक। भार्गव ने कहा, मेरे आग्रह किए जाने के बावजूद किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु विशेष सत्र नहीं बुलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। प्रदेश में कर्ज से परेशान होकर किसान आत्महत्या को मजबूर है। एमपी की महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी पहले भाजपा शासित राज्यों में अंडा वितरण बंद करे, फिर मध्य प्रदेश में अंडा वितरण की विरोध करे। अंडा वितरण को लेकर राजनीति रुकने का नाम नहीं ले रही है। ग्वालियर में महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने भाजपा और आरएसएस के
अंडा वितरण पर विरोध करने को लेकर तीखा हमला किया। इमरती ने कहा भाजपा प्रदेश में अंडा वितरण को लेकर विरोध जता रही है। बीजेपी को पहले भाजपा शासित राज्यों में अंडा वितरण को रोकना चाहिए। आरएसएस के मुख्यालय वाले राज्य महाराष्ट्र में अंडा वितरण होता है। हमने तो अभी अंडा वितरण का कार्य शुरू भी नहीं किया है। इमरती ने कहा कि हमने टीवी में देखा है संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे। अंडा शरीर के लिए फायदेमंद है, इसीलिए सरकार को पोषित बच्चों को अंडा देना चाहिए। बीजेपी विरोध कर रही कि अंडा बच्चों को नहीं देना चाहिए, जबकि हमने जो कहा जो खाएंगे वो खाएंगे और जो बच्चे हमारे नहीं खाएंगे उनको जबरदस्ती नहीं करेंगे और हम बच्चों को फल देंगे। जो बच्चे अंडा नहीं खाएंगे उनको फल देंगे। जब आरएसएस का मुख्यालय हुआ है महाराष्ट्र में तो सबसे पहले तो वहाँ नहीं देना चाहिए था, इन्हें अपने अपना विरोध क्यों नहीं किया। और जब मुख्यालय पर जे दे रहे और जहाँ मध्य प्रदेश में हम देने को तैयार हैं तो हमें रोक रहे। क्या चाहते हैं जी बीजेपी वाले के हमारे बच्चे मध्य प्रदेश के कुपोषित रहे, हमारे बच्चे तंदुरुस्त ना रह पाए? तो हम चाहते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश से कुपोषण दूर हो और हम अपने बच्चों को अच्छा करने के लिए जो भी ताकत की चीज़ होगी, जो भी हमारे बच्चों को स्वस्थ रखेगी, हम ऐसे बच्चों को अपनी अच्छी चीज़ जरूर दें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। देख रहे हैं दखल न्यूज़।